बाध्यता कर दी जाए कि प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड में पदस्थापन हो जाए तो हमें स्वीकार है। मेरे भाई, यह कौन सा आप लोग लॉजिक पेश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं और राज्य सरकार के जो हुक्मरान हैं, क्या कोई भी जो काम आप करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होगा, कोई कारण होगा? शिक्षकों को अपना अनुमंडल बदल देने का क्या कारण हो सकता है? क्या शिक्षक जो है आप कह रहे हैं कि उसको हम दूसरे जगह भेज देंगे तो उसे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा, एकदम बच्चों को शिक्षक जो पढ़ाने लगेगा तो एकदम अमृत पान करने लगेगा वह? जरा आप हमको बताइए, शिक्षक अगर किसी पंचायत में है तो क्या वह अपराधी है, गुंडा है, माफिया है कि वह पूरे प्रखंड पर पूरा काबिज है, पूरे अनुमंडल पर उसका प्रभाव है, वह अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर आप उसको निकाल देना चाहते हैं? क्या मतलब क्या है, मंशा क्या है? अगर किसी शिक्षक का इतना ही प्रभाव है कि वह अपने घर के पास है तो वह काफी दबंग है, वह नहीं पढ़ा रहा है, वह मनमानी कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नियम बनाइए कि आपका जो विधायक है, जो सांसद है, वह अपने क्षेत्र में जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए है उसके डर से कोई बोलता नहीं है तो हर 5 साल पर उसका क्षेत्र पहले बदलिए। है औकात, बदलिएगा क्षेत्र। नीतीश चाचा, आप तनका चलना चाहिए, सुशासन बहुत दिन चला लिए बिहार में, आपका भी क्षेत्र परिवर्तन होना चाहिए। आप भी पूरे बिहार पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, आपको भेज दिया जाए तनी, ये सुशासन उत्तर प्रदेश में भी बहुत जरूरी है। और यूपी वाले बाबा को यहां भेज दीजिए, उस दिन केरल तमिलनाडु में भी आप लोगों को भेज दिया जाए परिभ्रमण योजना पर। हाय रे विधाता और हाय रे सोच। और हमारे जो साथी लोग यह कह रहे हैं कि प्रखंड बदल दीजिए, आपको पता है प्रखंड बदल दीजिएगा तो क्या होगा? बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड मुजफ्फरपुर में कुरहन्नी प्रखंड है, 39 पंचायत है, एक ही प्रखंड में 39 पंचायत है। अगर किसी तरफ से एक पंचायत की सीमा ले लीजिएगा और दूसरे सीमा पर आप जाइएगा तो एक ही प्रखंड में आपको 40 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ जाएगा। तो प्रखंड बदल दीजिएगा, उसे फायदा हो जाएगा। आप प्रखंड बदलने के लिए कहिएगा तो आप जिस प्रखंड में है वहां से दूसरे प्रखंड की दूरी 50 किलोमीटर दूर पर है वहां भेज देगा, तब क्या कीजिएगा? भाई कोई भी बात करिए तो लॉजिकल बात कीजिए ना, यह क्यों, इसकी जरूरत क्या है? अगर आपकी मंशा सही है तो आप शिक्षकों को बहुत करिए तो गृह पंचायत से आप हटा दीजिए, लेकिन किसी पंचायत में रखिए, किसी प्रखंड में रखिए, किसी अनुमंडल में, किसी प्रमंडल में रखिए, लेकिन एक बात जरूर तय कर दीजिए कि किसी भी शिक्षक के उसके निवास स्थान से, उसके घर से अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका पदस्थापन, चाहे प्रमंडल बदल जाए, चाहे जिला बदल जाए, चाहे अनुमंडल बदले, चाहे प्रखंड बदले, कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो एक ही प्रखंड, कोई 39 पंचायत का भी है और बक्सर में एक चक्की प्रखंड है, मात्र 4 ही पंचायत है वहां पर, तो 4 पंचायत का उपब्लॉक है, कैसे आप समानता लाइएगा? ये प्रखंड बदलो, पंचायत बदलो, अनुमंडल बदलो, जिला बदलो, प्रमंडल बदलो, एकरूपता कभी हो सकती है? एकरूपता पंचायत की सीमा से, प्रखंड की सीमा से और अनुमंडल की सीमा से नहीं आएगी। एकरूपता के लिए एक ही कानून लाना होगा कि किसी भी शिक्षक की पोस्टिंग हो तो अधिकतम 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए जहां उसका घर है, तभी जाकर के आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर पाएंगे। शिक्षा सुधार की कवायद हो रही है, लेकिन ये कौन सा कानून है भाई? आप बना दिए कि महिला है तो अपने घर के पास आएगी, वो भी घर के पास अपने न नैहर में रहेगी, न ससुराल में रहेगी और न जो ही वर्तमान पदस्थापन के गांव में रहेगी, एक चौथा जगह चुन लेना है उसको, तो महिला तो चौथा जगह चुन लेगी, आई पुरुष कहां जाएगा? भारत का संविधान क्या आपको इसकी इजाजत देता है? हमारे पास ये भारत का संविधान है, आप देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान है, हमारे देश के पुरखे पूर्वजों ने मिलकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरीखे लोगों के अध्यक्षता में यह संविधान तैयार किया गया था। और इस संविधान में जो समता का अधिकार है, आप आर्टिकल 15 को देखिए, ये आर्टिकल 15 आप 6 कक्षा में सिविक्स में पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं ना, सामाजिक और राजनैतिक जीवन पढ़ाते हैं,
तो आप जो पढ़ाते हैं उसमें समता का अधिकार पढ़ाते हैं छठी कक्षा की किताब में, मिडिल स्कूल में, और उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये भारत का संविधान कहता है। भारत का संविधान जो परमिशन देता है वह आपको कहता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। इस देश के अंदर में किसी कर्मचारी संवर्ग के लिए ऐसा कोई कानून बना है कि महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, तो थर्ड जेंडर वाला है उसके लिए वो बना देते अलग से? आए हो नीतीश चचा, आए रे आपका ये कालिया, ये कौन कानून है? महिला है तो घर में आओ, आप पुरुष है तो गिरमिटिया मजदूर बन के मॉरिशस जाओ, भेज दीजिए मॉरिशस, त्रिनिदाद, कहां भेजिएगा? ये पुरुष है तो कहां जाएगा? पूरबिया तान सुनाइएगा, सब जाएगा बंगाल आसाम कमाने के लिए, अनुमंडल से बाहर जाएगा। यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। अगर क्या पुरुष होना इस राज्य के अंदर गुनाह हो गया? हमारे जो पुरुष साथी हैं वह केवल पुरुषों को आप इसलिए वंचित कर दीजिएगा, उसको घर में नहीं रहने दीजिएगा क्योंकि वह पुरुष में जन्म लिया है, तो एक काम करिए ना, नीतीश चाचा से वो मांग हम कर रहे हैं, इस सुशासन के सरकार के जितना नेता लोग है सब, जितना पुरुष शिक्षक है ना, सबका जेंडर है बदल दीजिए, कोई हॉस्पिटल खोलिए और सबका लिंग परिवर्तन कर दीजिए, जितना मर्द है सबके औरत बना दीजिए, अपना घर में रहेगा जा आथू, ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी सोच पर जा रही, सुशासन के नाम पर कलंकित करने वाले लोग, आज तक ऐसा कानून बना? आ चले हैं प्रमंडल घुमाने और जिला बदलने के लिए, 1995 में भी जिला बदलने चले थे, उसमें लालू जी की सरकार थी, और पूरा हाई स्कूल का टीचर को ये जिला के वो जिला में, वो जिला के वो जिला में भेज दिए, तो क्या हुआ? शिक्षा सुधार हुआ? उसी समय से जो पढ़ाई चौपट हुई वह लंबे समय तक उसकी भरपाई नहीं हुई। आई आया था बीच में जो मोगेम्बो, ये काला चश्मा पहन करके आंख तो मिलाता नहीं था किसी से, तो ये आते आते क्या कहा कि जो महिला सब स्कूटी चलाना नहीं जानती है तो स्कूटी चलाना सीख लीजिए, सबको मॉडर्न बनाने चले थे। कितनी शिक्षिका गिर गई, अब पैर तोड़ लिया, हाथ तोड़ ली, तो पुरुष लोग के भी वो आप खोल दीजिए ना कहीं पर ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, सब जितना भी अब रिटायर करने के उम्र में लोगों को भेजेगा दूसरे जिला में, तो रोटी बनाने का ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, सब लोग जाके रोटी बनाना सीख लेगा, खाएगा क्या, रहेगा कैसे, दूसरे जिला में भेज दीजिएगा। तो यह मजाक बना के रख दिए हैं, ये मजाक बंद करिए। और ये चचा, हम लोग को तो मालूम है ना कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती थी, तो जब आप अपने जैसे सबको समझ लिए, सब अपन अपन बाल बच्चा पत्नी के भगा दे।